दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दौलतपुर चौक। कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सीपीएस जगजीवन पॉल से हुई मारपीट की घटना पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के गुंडों ने पुलिस के सामने ही पूर्व सीपीएस जगजीवन पॉल के साथ मारपीट की और पुलिस मूक दर्शक बन देखती रही। उन्होंने कहा कि आज भाजपा ने शिष्टाचार, राजनीतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मर्यादाओं, इन सब से अपना नाता तोड़ दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जगजीवन पॉल के साथ अराजक व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करें। हिमाचल प्रदेश में क्या गुंडा राज स्थापित हो गया है? मुख्य संसदीय सचिव रहे व्यक्ति को खुलेआम जो है पीटा जा रहा है, उनके सिर पे मारा जा रहा है, उनको धक्के दिए जा रहे हैं, उनको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का तकाजा है? कौन लोग हैं जिन्होंने जगजीवन पाल जी के साथ ऐसा व्यवहार किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार तत्काल हरकत में आए, ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जाए और जांच करवाई जाए कि आखिर अगर कोई पंचायत नहीं जाती कहीं पे कोई कार्य और वहां पे जोर जबरदस्ती आपने काम करवाना है और वो भाजपा के किसी नेता विशेष का हलका है या किसी संसदीय पद पे बैठे हुए व्यक्ति का हलका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विरोधियों को धक्के मारेंगे। आप पुलिस तंत्र का फायदा लेके, आप सरकार का फायदा लेके, जो लोग राजनीति में मायने रखते हैं उनको इस ढंग से आप धक्के लगवाएंगे? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जगजीवन पाल जी को जिसने भी धक्के मारे हैं वो जो है सार्वजनिक माफी मांगे। और ये पुलिस के जेरे साया हुआ है, पुलिस वहां मौजूद थी और वहां पे आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई विरोध हो रहा है उसका डायलॉग किया जा सकता है। जेरे साया हुआ है, पुलिस वहां मौजूद थी और वहां पे आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई विरोध हो रहा है उसका डायलॉग किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में क्या विरोध का भी अधिकार नहीं रहा? और जिस तरीके से ये हुआ है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरे पूरे प्रदेश में जो है इस बात का जो है विरोध किया जाएगा। अगर कांग्रेस के पूर्व विधायकों को, पूर्व संसदीय सचिव पद पे रहे व्यक्ति को अगर ऐसे ऐसे धक्के मारे जाएंगे और उनको जो है जो थप्पड़ मारे जाएंगे, धक्के दिए जाएंगे, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ये मैं भाजपा सरकार को बता देना चाहता हूँ, जयराम सरकार को बता देना चाहता हूँ। अब अपने लोगों को लिमिट्स में रखें, एक एक लक्ष्मण रेखा से आगे लोग ना जाएं तो अच्छा रहेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बाबा नीम करोली एंटरप्राइजेज लखनपाल्स नियर लेकी हॉस्पिटल चले दौलतपुर चौक 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांव के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेकी अस्पताल चलेट के नजदीक वान्या होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन्स, इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं। देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, सनसुई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बाबा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन, टेक्सचर पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं।